नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। आज मैं सुबह से काफी थक गया हूँ क्योंकि आज सुबह से ही जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ पे मेरा सारा सामान था जिम का, वो सब मैं लेके आया हूँ अभी। और कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये मेरा रूम है जहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास एक रूम था जहाँ पुलअप बार कल मैंने इंस्टॉल किया था, यहाँ पे मैं एक छोटा मिनी जिम खोलने वाला हूँ। मिनी जिम खोलने का रीजन ये है क्योंकि लॉकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि डेल्टा वेरियंट आ गया है और अभी एक और वेरियंट आने वाला है, उसकी न्यूज आज मॉर्निंग मैंने पढ़ी थी। तो उसकी वजह से शायद लॉकडाउन लग सकता है, इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपना बहुत प्रॉपरली जिम मैं घर पे सेटअप कर लेता हूँ ताकि लॉकडाउन में मैं बहुत अच्छे से जिम कर पाऊँ। तो अभी यहाँ पे काफी काम होना बाकी है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पहले पूरा नॉर्मल रूम सेट किया हुआ था हम लोगों ने बैठने के लिए, बट इसको पूरा चेंज करने के लिए इसमें से सारा सामान मुझे हटाना पड़ेगा और जितना भी जिम का सामान है वो सारा यहाँ पे लाना पड़ेगा। जिम के लिए मैंने यहाँ के कुछ नया सामान भी ऑर्डर किया है, वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया नया, जिससे यहाँ का थोड़ा लुक और चेंज हो जाएगा। अभी जिम का सारा सामान मैंने यहाँ पे ला के रखा है, ये सारा सामान मैं पहले करूँगा क्लीन, उसके बाद मैं सारा रूम में शिफ्ट करूँगा। इसलिए मंगाया था क्योंकि सोनी का जो लास्ट वाला फोन था सोनी ने खराब कर दिया था, और खराब करने का रीजन पता क्या था वो मैं सोनी के सामने बताता हूँ। भाई लो फोन खोल लो अपना, भाई साहब नेवर सेटल, भाई साहब तुमको सोनी बताने वाला तुम्हारा लास्ट फोन खराब कैसे हुआ, ऐसी शक्ल से कौन बोलता है वो? कौन सा कलर है? ब्लैक है। क्या बात है, लास्ट वाला फोन खराब कैसे हुआ था सुनो बताओ तो। लास्ट वाला फोन पता खराब कैसे हुआ था? हम ना लास्ट जो पूल पार्टी में गए थे ना प्री वेडिंग शूट के लिए, फोन जैसे वहाँ बाहर रखा था ना तो वो हीट हो जाता है फोन। मेरे पास आईफोन एक्स आर है तो उसको जब पानी में डाल रहा था तो वो ठीक हो जाता नॉर्मल, क्योंकि वाटर प्रूफ फोन है। थोड़ी देर बाद सोनी का फोन भी हीट हो गया तो सोनी ने भी उसको पानी में डाल दिया ठीक करने के लिए, और वो आज तक नहीं खुला। तो फाइनली मेरा जिम सेटअप जो था वो मैंने कल रेडी कर लिया था पूरा। कल शाम को मैं उसको आगे व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा शाम को ऑफिस रहता है, शाम को 4 बजे से रात को 1 बजे तक, तो उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग कम करता हूँ क्योंकि मेरा काम ज्यादा रहता है। तो अभी जो जितना मेरा सेटअप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत बेसिक सेटअप किया है मैंने। तो अगर आप नॉर्मली घर पे रहते हैं तो इस सेटअप से आप आराम से ट्रेन कर सकते हैं। अभी जो सेटअप है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, होपफुली ये आपके काम आने वाला है। सबसे पहले मैट की बात करते हैं, ये मैट मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और इसमें मेरे पास 6 शीट्स आती हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है। ऐसे ऐसे मेरे पास 6 मैट आई थी और इनको जब हमने असेंबल किया तो ये पूरी मैट बन जाती है और इसका काफी अच्छा एरिया है। अगर आपको लगता है कि आपको एरिया ज्यादा है और आपको ज्यादा मैट चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, और नॉर्मल आप इसे वॉक करेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, आप इसमें आराम से कोई भी वेट वगैरह रख सकते हैं। अगर बात करें बाकी सेटअप की तो मेरे पास जो ये सारा सेटअप है ये आपने पहले भी देखा है, पर मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या है मेरे पास। पहले इसमें मेरे पास है 2 लॉन्ग रॉड है मेरे पास, एक ये वाली है इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है इस वाली रॉड से, आप देख सकते हैं ये 2 रॉड मैंने इसलिए रखी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हेवी रॉड होती है ना उससे ग्रिप में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ पतली रॉड क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, और जो थोड़ी थिक वाली रॉड है उससे आप डेड लिफ्ट या डेड बेंच भी मार सकते हैं। साथ में मेरे पास एक जो रॉड है वो है EZ रॉड, ये भी आप कर्ल के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में इसके साथ मेरे पास ये जो 2 सेट है पैरेलल बार के, ये आपको देखे होंगे मेरी वीडियोस में पहले, ये बहुत ज्यादा यूज आते हैं क्योंकि अगर आप बात करें कैलिस्थेनिक की, कैलिस्थेनिक में ये बहुत ज्यादा यूज आते हैं, इसमें आप नॉर्मली पुशअप भी कर सकते हैं, एल सेट कर सकते हैं, इवन डिप्स भी मार सकते हैं, अगर आपको पैर फोल्ड कर सकते हैं तो उसमें डिप्स भी लग सकते हैं इसमें। साथ ही साथ मेरे पास ये एक्स्ट्रा कुछ वेट पड़ा है, अगर आप जैसे पुलअप करते हैं और आपको लगता है कि आप नॉर्मली बॉडी वेट पुलअप बहुत अच्छा मार सकते हैं तो आप इसको नॉर्मली अपने लेग्स में लगा सकते हैं और उससे पुलअप कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है। साथ में फिर एक पेयर ऑफ डंबल है मेरे पास, अभी इसमें जो प्लेट लगी है
वो लगी है 2.5 की, यानी कि 5 केजी का एक डंबल लिया है, 5 केजी का डंबल लिया है और इसमें मैं वेट आराम से इंक्रीज कर सकता हूँ। और साथ में जो मेरे पास जो प्रॉपर पूरा वो वेट है अराउंड 50 केजी, जिसमें की 10-10 केजी की दो प्लेट है, यानी की एक पेयर 10 केजी प्लेट का है और बाकी जितनी भी प्लेट है सारी 5-5 केजी की है। साथ में दो प्लेट और है, 3 केजी की एक प्लेट है। ये सारा का सारा वेट का डिपार्टमेंट है मेरे पास और ये जितना भी वेट है ये सारा बहुत बेसिक है। अगर आपको घर पे वर्कआउट करना है, आपको लगता है कि आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, ये बहुत बेसिक सेटअप है। अगर आप ये आपके पास होगा तो इससे आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे पास है वो ये वेट मशीन, जो बहुत ज्यादा काम आती है आपका वेट को ट्रैक करने के लिए। ये सबसे मस्ट चीज है अगर आप फिटनेस में हैं तो। इससे क्या होता है कि आप डेली अपना वेट ट्रैक कर सकते हैं। मेरा वेट कितना है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। बेसिक सेटअप है मेरे पास। साथ में रॉड तो आपको पता ही है, मैंने अभी लगवाई थी, ये भी बहुत जरूरी है। बाकी मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मेरा वर्कआउट मिस हो रहा था, मैं जिम नहीं जा पा रहा था बिकॉज मेरा ऑफिस था और अभी शादी भी हुई है 2 महीने पहले, तो अभी मैं काफी चीजें समझ रहा हूँ तो अभी जिम जाने की रूटीन नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सारा सेटअप अपने घर पे करूंगा। ये था मेरा एक नॉर्मल छोटा सा मिनी जिम का टूर। आपको अगर लगता है कि आप भी ऐसा सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, और आपको लगता है कि अगर आपको सेटअप करना है ऐसा कुछ तो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ यहीं पे रैप। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जितने भी नेक्स्ट वीडियोज या व्लॉग आएंगे उन सब में आपको फिटनेस कॉन्टेंट मिलने वाला है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।